Mirchi Bollywood. साल की शुरुआत में सोनम कपूर फिल्म बैटमैन को लेकर चर्चा में थी। फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया। इसके बाद जून में सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग आएगी। इसके अलावा सोनम संजय दत्त की बायोपिक में भी नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि जब से दत्त बायोपिक में सोनम कपूर का नाम जुड़ा, तब से तरह तरह के रूमर्स आए कि फिल्म में सोनम टीना मुनीम या माधुरी दीक्षित के रोल में नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि टीना और माधुरी से संजय का अफेयर रह चुका है। ऐसे में फिल्म में इन दोनों के किरदार में कौन होगा, इसे लेकर कयास लगाए गए कि सोनम इन दोनों में से किसी एक रोल को प्ले करेंगी। पर सोनम ने खुलासा कर दिया है, बायोपिक में सोनम किसी हीरोइन के रोल में नहीं है। सोनम ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरा फिल्म में बहुत ही छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है। वो वैसा रोल नहीं है जैसा सब लोग सोच रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में कुछ ज्यादा बताने की मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन मैं फिल्म में कोई एक्ट्रेस नहीं बनी हूँ। यानी कि ये तो साफ हो गया कि फिल्म में सोनम किसी एक्ट्रेस के रोल में नजर नहीं आएंगी। आपको बता दें कि दत्त बायोपिक में रणबीर कपूर के अलावा अनुष्का शर्मा और मनीषा कोइराला भी हैं। फिल्म के टाइटल पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फिल्म इसी साल 29 जून को रिलीज होगी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।